अभी हमारे भाई प्रदीप बंसल जी और सुमन जी जो महाराष्ट्र की आज्ञा से ये प्रकृति हमारी माँ है, उस माँ का श्रृंगार जैसे एक कन्या है, एक मातृशक्ति है, उसका श्रृंगार उनके वस्त्रों से, आभूषणों से होता है, तो वह और शोभनीय होती है और दर्शनीय होती है, उसमें और दिव्यता झलकती है। ऐसे ही प्रकृति माँ का श्रृंगार है वृक्ष, और एक वृक्ष लगाने से ऐसा शास्त्रों में भी लिखा है कि सब लोग तो ये अश्वमेध आदि यज्ञ नहीं कर सकते, माने सैकड़ों यज्ञ करने से जितना पुण्य मिलता है उतना पुण्य एक वृक्ष लगाने से मिलता है, ये हमारी परंपरा। तो ऐसे सहस्रों यज्ञ करने का पुण्य महाराष्ट्र के आशंसी से जिनको उपलब्ध हो रहा है, ऐसे हमारे प्रदीप जी और जो है उनकी धर्म पत्नी सुमन, क्या नाम है, सुमन जी, सुमन, ये हम बचपन में लगाया करते थे पीपल का, बड़ का, नीम का पेड़, वही इतने सुंदर सुंदर पेड़ लेके आए, एक बार जोरदार इनको अभिनंदन है भाई। ये यहां से अब पेड़ जाएंगे और ब्रिज में लगेंगे, एक बार जोरदार अभिनंदन है यमुना जी के किनारे। और ये पीपल का इतना बड़ा पेड़ है, और सुमन जो है अपने वजन जितना पेड़ उठा के लाई है, उसको भी जोरदार आशीर्वाद है। ये अभी तक करीब कितने हो चुके, करीब 50, करीब 70,000 पेड़ लगाए जा चुके हैं। ये कितना बड़ा एक आदर्श कीर्तिमान पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में वहां पर संपन्न हो रहा है। और उस उपवन का नाम भी पतंजलि उपवन रख रहे हैं, महर्षि पतंजलि को आदर देते हुए, गौरव देते हुए, उनका सम्मान करते हुए। तो एक बार पापा का सम्मान करते हुए तो महाराज जी कह रहे बाबा का सम्मान करते हुए, तो सब ऋषियों के सम्मान में ही सब बाबाओं का सम्मान। तो हमारे जो पूर्वज हैं हम उनको गौरव देते हैं, तो वो अपना ही गौरव है क्योंकि हम अपने उन पूर्वजों के ही प्रतिरूप हैं। तो भाई प्रदीप जी को और उनकी यशस्विनी जो है धर्म पत्नी, जो उनके हर धर्म कार्य में उनके साथ में रहती हैं, ऐसी सुमना को एक बार सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है, उनको प्रणाम है। आज के कार्यक्रम को हम इसी संकल्प के साथ यहाँ से विराम देते हैं, फिर दोपहर और शाम के सत्र यथा वह चलते रहेंगे, कल प्रभात में पुनः योग सत्र होगा। बोलिए भारत माता की, गौ माता की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय।